स्केयर्स है और थकी हुई हिंदुस्तान टीम पहुंचे कहां पे? वर्ल्ड कप के लिए यूएई में। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन दिस, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान मे लूज द टेस्ट सीरीज हियर, पाकिस्तान मे बी गेट ह्यूमिलेटेड इन द सीरीज ऑफ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आइदर इंग्लैंड टिल द वर्ल्ड कप नाउ, बट पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप इफ दे गेट द सिलेक्शन। हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। और मैं समझता हूँ जो रनआउट था डेविड मिलान का, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, क्योंकि उसके बाद जो है एक ढेर लग गया विकेटों का। और जब 6 रन पे इंग्लैंड की 4 विकेटें गिरी एकदम से लंच के बाद, तो फिर तो क्लियर हो गया था कि जी देयर इज ओनली गोइंग टू बी 1 रिजल्ट ऑफ दिस मैच एंड दैट इज के इंडिया ये मैच जीतेगा, और इंडिया ये मैच जीत गया जी। और कल जब मैंने वीडियो की थी तो मैंने ये बात कही थी कि अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो बहुत ज़रूरी है कि जडेजा को बहुत टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी और सारे इंडियन बॉलर्स को टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा बैट्समैन को कि वो मिस्टेक्स करे, और सारे बॉलर्स ने आज वही किया, खास करके बुमराह और जडेजा ने तो कमाल बॉलिंग की है भाई, दोनों ने इतना टाइट रखा है मतलब चीज़ों को कि बैट्समैन जो है फ्रस्ट्रेशन में ही ज़्यादातर आउट हुए, घबरा के आउट हुए ज़्यादातर। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विंस फॉर इंडिया टुडे, इसलिए क्योंकि इधर लॉर्ड्स पे भी इंडिया जीता लेकिन फिर हेडिंगली हारा था, लेकिन जिस तरह से मतलब यहाँ पर टॉस हार गया था, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कराई, 191 पे ऑल आउट हो गया इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में, ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया के लिए मुश्किल इस टेस्ट मैच में, लेकिन टू कम बैक फ्रॉम देयर एंड गो ऑन टू विन द मैच सेकंड इनिंग्स में, इतनी अच्छी बैटिंग करना और फिर बॉलर्स का इस तरह से डिलीवर करना फाइनल डे पे, मैं कहता हूँ कि इंडिया टुडे इज विदाउट डाउट वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट साइड। सिर्फ अगर आप मुवाजना करेंगे तो शायद न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से कुछ बेहतर हो, क्योंकि एक चीज़ अब क्लियर है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की भी अगर आप दोनों कंपैरिजन करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड जीता क्योंकि वहां पर इंडिया से गलती हुई थी कि वो 2 स्पिनर्स खिला गए थे सेम फेल्डी कंडीशन में, लेकिन अगर आप दोनों मुवाजना करें तो इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि वो कौन सी टीम है जो पहले जाके दूसरे की कंट्री में जीतेगी। क्या इंडिया जाके न्यूजीलैंड अब जब खेलेगी न्यूजीलैंड में जाके जीत सकती है टेस्ट सीरीज, क्या न्यूजीलैंड इंडिया के जीत सकता है, बस ये चीज़ फैसला करेगा कि ये दोनों टीमों से कौन सी बेहतर टीम है, इसलिए क्योंकि अब तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होती जा रही है कि इंडिया इज केपेबल ऑफ विनिंग एनीवेयर नाउ एंड व्हाट हैपेंड टुडे हैज प्रूवन दैट। लेकिन यार कोहली की कप्तानी, कोहली का जो एक कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ये होता है, मैं कहता हूँ यार ये बहुत ओवर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा होता है, बहुत हाइपर हो रहा होता है, लेकिन यू नो आई मीन द वे ही पुशेस दिस टीम, द वे ही मोटिवेट्स दिस टीम, कमाल ऐसा कप्तान मैंने दिखाया जो इतना ज़्यादा और इतना प्राइड है उसको, मतलब कि टीम अच्छा करे तो इतना खुश होता है। आज जिस तरह एक एक विकेट पे वो मतलब जिस तरह रिएक्ट कर रहा था, साफ पता लग रहा था कि ही वाज सो डेस्परेट टू विन दिस टेस्ट मैच एंड प्रूव अ पॉइंट कि इंडिया कैन कम बैक इन दिस सीरीज, और ही डिड दैट। एंड द वे आई टेल यू वन थिंग, उसने आज बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया अपने बॉलर्स को, उसने बिल्कुल सही वक्त पे बुमराह को इस्तेमाल किया, उसने बिल्कुल सही शॉर्ट स्पेल दिए शार्दुल ठाकुर को, सिराज को, उमेश यादव को, जडेजा को उसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी ये चीज़ कि ही गेव सपोर्ट टू हिज बॉलर्स बाय सेटिंग अटैकिंग फील्ड फॉर देम, ही लेफ्ट इट अप टू देम कि यार मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, अब तुम मुझे जो है डिलीवर करके दो, और वो किया। लेकिन जो मेरी नज़र में जो सबसे आउटस्टैंडिंग जो स्पेल था वो बुमराह का था, विच केम इन द मिड सेशन, जिसमें उसने ओली पोप और डेविड बिस्टो को बोल्ड मारा दोनों को, यार कमाल बॉलिंग की उसने, और जिस तरह से वो रिवर्स कर रहा था बॉल को ऑफ अ गुड लेंथ, जिस तरह से यॉर्कर्स इन स्विंगिंग यॉर्कर्स प्रोड्यूस किए, साफ सीधी बात मैं करूँ तो मुझे तो बिल्कुल वकार और वसीम की याद आ गई 90s में इंग्लैंड में जिस तरह बॉलिंग किया करते थे, और कॉमेंटेटर्स भी शेन वॉन भी यही जिक्र कर रहा था, और कमाल रिवर्स बॉलिंग की बुमराह ने, एंड ही सो टाइट विथ, मतलब रन्स भी नहीं देता और बैट्समैन को ही कीप्स ऑन यू नो लाइक पुशिंग द बैट्समैन बैक, आप एक बॉल पर भी रिलैक्स नहीं कर सकते बुमराह के खिलाफ, और वो चीज़ आज बुमराह ने शो की।
की विकेट्स फॉर दोस टू विकेट्स। जडेजा तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इन द सेंस के उस पर बहुत प्रेशर था, साफ सीधी बात है, ही न्यू कि बहुत बातचीत चल रही है कि अश्विन को नहीं खिलाया नहीं खिलाया नहीं खिलाया, तो उस पर प्रेशर तो था। कल उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, आज भी जब उसको लेके आए तो आती उसने फुल टॉस पहले ओवर में कराई, लेकिन देन ही बोल्ड ब्यूटिफुल इन दिस टेस्ट मैच, जो आज इस टाइप की बॉलिंग चाहिए थी, एंड ही गॉट की विकेट्स। जो उसने हसीम अहमद को बोल्ड मारा है, मतलब यार यही होता है लास्ट डे पे जब कुछ ना हो ना पिच पे, तो रफ पे जब बॉल पड़ती है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की राउंड विकेट, इसी तरह बॉल स्पिन होती है। लेकिन एक स्टेज पे जब हसीम अहमद और रोनी बंस बैटिंग कर रहे थे, 100 रन हो चुके थे, मैंने कहा यार ये मैच तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। बट आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि समवेयर या देयर एक विकेट गिरने की देर है और इंडिया फाइट करेगा, और वही हुआ, एक विकेट गिरने की देर थी और इंडिया ने फाइट किया। विराट कोहली मतलब के लिए ये क्यों टेस्ट मैच इतनी स्पेशल है, क्योंकि इस ओवल पे इससे पहले इंडिया सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट मैच जीता है, वो भी 71 वे बैक इन 71 में चार विकेटों से जीता था जब अजीत वाडेकर कप्तान था, और वो साल 71 का जो था वो साल था जब इंडिया ने पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में दो ओवरसीज सीरीज जीती थी, उन्होंने इंग्लैंड में जीता था और वेस्ट इंडीज़ में जाके जीता था वाडेकर की कप्तानी में। 71 के बाद आप सोचें यार, कोई 50 साल के बाद जो है इंडिया फिर ओवल पे जीता है, उससे उसके बाद जितने भी इंडिया ने यहाँ मैचेस खेले या तो ड्रॉ हुए या फिर इंडिया हारा। और कमाल ये था कि इसी ओवल पे 79 में भी दे केम वेरी क्लोज टू विनिंग व्हेन दे हैड टू चेस 400 समथिंग एंड दे फेल शॉर्ट बाय आई थिंक 7 or 9 रन, जब गवास्कर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। फॉर कीपिंग दैट इन माइंड जो हिस्ट्री ओवल की, दैट इज वाई दिस विन इज सो स्पेशल फॉर इंडिया। बट मोर देन दैट आई थिंक वॉट इज स्पेशल नाउ इज कोहली का जो कप्तानी का रिकॉर्ड है, अब इट्स बिकमिंग ऑसम डे बाई डे, इसलिए क्योंकि ये उसका आई थिंक शायद 38th विन आज है उसकी एज कैप्टन। ही इज नॉट द मोस्ट, ही वॉज ऑलरेडी द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन, लेकिन अब तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, 38th विन है। लेकिन जो कमाल की चीज़ है ना कि 38 विन्स में से अगर आप लगाएं तो दिस इज हिज 15th विन टुडे ओवरसीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इज नाउ ऑल्सो दैट इंडियन कैप्टन हु हैज वन द मोस्ट मैचेस अब्रॉड, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमेशा इंडिया क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ही कहा जाता है कि यार ये टीम है जो है सिर्फ अपने घर पर जीत सकती है, बाहर जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता है कि ये इंडिया की जो जीत है ऐतिहासिक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, हालांकि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ट्वीट किया था, वैक्सीनेशन को भी इससे कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि आज इंडिया ने फिर एक बार 1 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन क्रॉस किया है, और अभी भी मतलब ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर लगभग 7 बजे का था। तो दोस्तों जो ये इंडिया की जीत है, आपने देखा कि पहली पारी में इंडिया मतलब 191 रन पर ऑल आउट हुई थी, जिसमें शार्दुल ठाकुर का 50 था, जिसकी वजह से हम 191 तक पहुंचे थे। और उसके बाद दूसरी इनिंग में भी इंडिया टीम की जो टेल ने काम किया वो हमें हेल्प किया विन करने में। आपको पता होगा कि शार्दुल ठाकुर ने 50 बनाए, उसके बाद बुमराह, उमेश यादव और थोड़ा बहुत योगदान सिराज का भी था, इनकी वजह से काफ़ी अच्छी बैटिंग हमारी बन गई थी, और पंत और जो ठाकुर की पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से पूरा मैच बना था। तो दोस्तों इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो रोहित शर्मा है, नो डाउट एक बहुत अच्छा शतक, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच के मेरे लिए मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर बनते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने दोनों इनिंग में 50 रन बनाए, और एक टर्निंग पॉइंट मैच का जो आया था वो फर्स्ट इनिंग में जो उनका 50 था वो, और उसके बाद जो सेकेंड इनिंग में ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप की थी वो, और जो मेन उनका रीजन है मैन ऑफ द मैच का वो है जो रूट का विकेट। आपको पता है जो रूट टीम इंडिया के खिलाफ कितना रन बना रहे हैं, इंडिया में जो चेन्नई टेस्ट मैच उसके बाद मतलब उनका जो बल्ला है वो आधी टीम इंग्लैंड से ज़्यादा भारी है, इतना खतरनाक वो खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मैच के मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर बनते हैं, हालांकि मैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट नहीं हूँ, उनका भी ये पहला ओवरसीज 100 था, वो भी काफ़ी क्लासी दिखे और अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हो शार्दुल ठाकुर इससे पहले गावा में भी उन्होंने 50 बनाया था, 4-4 विकेट लिए थे, टोटल 8 विकेट लिए थे और इंडिया जीता था, लेकिन उस मैच में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए मतलब सेटबैक है। और आपको बता दें कि ये विराट कोहली की जो एनर्जी है उसके फैन तो आप डेफिनेटली होंगे, हालांकि कई लोग कहते हैं कि विराट ओवर कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर मतलब एक टेलेंडर के आउट होने पर ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो ओवर रिएक्शन आप जब भूल जाते हैं जब टीम इंडिया जीतती है, जब टीम इंडिया बिल्कुल नीचे जाती है, आपने देखा कल एक भी विकेट नहीं गिरा इंग्लैंड का, और उसके बाद भी विराट की जो आज एनर्जी थी वही थी, तो वो डेफिनेटली हेल्प करती होगी। लेकिन आपको भी पता है कि हम
हम उस जनरेशन के, हमने देखा है सचिन को, द्रविड़ को, लक्ष्मण को, दादा को, सहवाग को, उनके उनका दादा का हालांकि था एग्रेशन, लेकिन जो बाकी के प्लेयर थे उनका इतना एग्रेशन नहीं था। तो विराट थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर हैं और वो एग्रेशन उनका मतलब देखने लायक रहता है और यंग जनरेशन विराट को ही फॉलो करती है। तो विराट कोहली का ये मुझे एग्रेशन अच्छा लगता है और ये डेफिनेटली विराट कोहली का हैंड रेट तो नहीं आ रहा है लेकिन उनका बल्ला बोल रहा है, बस वो 100 रन का जो बेंचमार्क है वो एक बार फिर से अगर हो गया स्टार्ट तो फिर वो रुकने वाला नहीं है, जो आप समझते हो।